नमस्कार मणिगुरु के एक और स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया या फिर अभी कल कर दूंगा या फिर परसों करूंगा, इस तरह से आप टाल मटोल कर रहे हैं। याद रखिए कि आपके पास अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है, 31 जुलाई तक आपको अपना रिटर्न भरना ही है। ITR भरने के लिए अब आपको किसी भी CA को खोजने की जरूरत नहीं है, यानी कि पहले आपको कोशिश करिए और जाने कि कैसे आप ITR भर सकते हैं। ये भी आप समझें कि इस बार ITR फॉर्म में क्या बदलाव हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ITR फॉर्म को पहले से ज्यादा आसान, उसे ज्यादा सरल बनाया गया है ताकि कोई भी बड़ी आसानी से इसे भर सके। तो अगले आधे घंटे से चिपक के बैठिए और समझिए कि खुद कैसे आप अपना ITR फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसे एक बोझ की तरह तो बिल्कुल मत लीजिए। एक बार अगर आप अपना जान गए कि किस तरह से आपको IT रिटर्न भरना है, तो आपको आने वाले वर्षों में काफी सहायता मिलेगी और ये आपको बहुत इजी और आसान लगने लगेगा। साथ ही टैक्स से जुड़ी कुछ और चीजों पर भी बात करेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ITR को लेकर आपके मन में जितने भी डर है सब कुछ निकालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट मिस्टर बलवर जैन। सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद सर। अगर देखें तो सिर्फ 20 दिन ही अब बाकी हैं और कुछ दिन पहले भी हमने आपके साथ प्रोग्राम किया कि ITR फाइल करना है, किन लोगों को और किन चीजों का ख्याल रखना है, लेकिन आज थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़कर हम इस पर बात करना चाहेंगे कि कैसे भरना है। और कई बार ये होता है कि कोई ना कोई गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ आप मिस कर जाते हैं। तो अभी भी 20 दिन है और अगर हम देखें कि पहले के मुकाबले इस बार का जो फॉर्म है सिंगल पेज का है, तो ये क्या अब ज्यादा आसान हो गया है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो फॉर्म ITR 1 की बात कर रही है। ITR फॉर्म कवर करता है मेजोरिटी ऑफ द टैक्स पेयर जो सैलरीड है, परंतु हर कोई व्यक्ति ITR 1 फाइल नहीं कर सकता, वो सिंगल पेजर है। तो अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है और कैपिटल गेन की इनकम नहीं है और इसके अलावा आपका कोई फॉरेन के सोर्स से इनकम नहीं है या फॉरेन में कोई असेट नहीं है या जो डबल टैक्सेशन की रिबेट वगैरह है वो अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हैं और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से कम है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और ITR 1 सिर्फ एक सिंगल पेजर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है और पिछले सालों की बनिस्पत ये साल ये फॉर्म ज्यादा सरल हो गया है और ज्यादा लोगों को कवर करता है। मतलब बहुत ज्यादा लोग इसमें ITR 1 फाइल कर सकते हैं और ये खुद भी फाइल कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाए। तो चलिए पहले तो ये जानते हैं कि किसको फाइल करना होगा ITR। अगर टैक्सेबल इनकम में आप आते हैं तो डेफिनेटली आपको फाइल करना है, लेकिन जहां तक ऑनलाइन फाइलिंग की बात है बलवंत सर, तो क्या उसके लिए कोई लिमिट है? क्योंकि अगर देखा जाए जो बाकी एग्जेम्पशंस वगैरह मिला के 3 लाख तक की सैलरी पे निल टैक्स बनता है, तो जहां तक फाइलिंग की बात है क्या ये कंपल्शन है जिनकी भी 3 लाख से ऊपर सैलरी है, या फिर ये चॉइस है? क्योंकि कई चेंजेस इस बार हुए हैं और कुछ पेनल्टी का भी इस बार क्लॉज ऐड हुआ है जो कि बढ़ गई है पेनल्टी, तो उसको थोड़ा सा आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि किस किस को फाइल करना जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं 31 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि आपको इनकम टैक्स का रिटर्न उस स्थिति में फाइल करना है जब आपकी कुल मिला के जो सब सोर्स है उससे आपकी जो इनकम है, और ये जो डिडक्शन है आपके चैप्टर 6 से के ATC, ATD या ATTT है, वो अगर आपका टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, मतलब जो आपने बताया जो बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट है नॉर्मल 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए 5 लाख है, तो ऐसा भी हो सकता है पल्लवी कि आपकी एक्चुअली टैक्स लाइबिलिटी नहीं हो और ये आप इस साल से आपको जो आपका शेयर्स वगैरह से जो प्रॉफिट वगैरह होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जो आपका एग्जम्पशन है जो 1038 में आता है, वो भी आपको आपकी इनकम में एक बार को तो ऐड करना है, और अगर ऐड करने के बाद में और ये बाकी सब जो डिडक्शंस देने हैं उसके पहले जैसे मैंने ये लिमिट बताई, अगर उससे आपकी ये इनकम बढ़ती है तो आपको ये इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना जरूरी है। हो सकता है अल्टीमेटली आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, किसी व्यक्ति की आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वही सपोज आपके 3 लाख 3.5 लाख रुपया है,
तो अगर आप वो एग्जेम्पशन कंसीडर करो तो उनकी टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाती है, तो भी उनको इस साल से इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना जरूरी है। जहां तक बात कर रही है आपका डीले की, ये जो इस साल के बजट में जो प्रोविजन आए हैं मैंडेटरी फीस की, वो अगले साल के जो मार्च 18 का जो रिटर्न आप फाइल करेंगे उसके लिए लागू होगा। इस साल आपका जो ये रिटर्न है वो आप 31 मार्च 2018 तक फाइल कर सकते हैं, 31 मार्च 2018 के बाद ये रिटर्न आप वैसे भी फाइल नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जो 2017 का रिटर्न है उसके लिए कोई पेनल्टी वगैरह का प्रोविजन नहीं है, पर आप अभी ये मार्च 2016 का भी रिटर्न भर सकते हैं। और चूंकि आपने ये मार्च 2017 तक नहीं भरे हैं और मार्च 2016 का रिटर्न भरने के लिए मार्च 2018 तक का आपके पास टाइम है, तो आपको जो असेसिंग ऑफिसर है नोटिस देने के बाद में 5,000 रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। परंतु जो मैंडेटरी फीस वगैरह है जो आपको रिटर्न फाइल करने के टाइम ही पेमेंट करनी है, वो जो प्रावधान है वो अगले साल से लागू होंगे। जो मार्च 2017 का आपको रिटर्न भरना है उसमें वो मैंडेटरी जो लेट फीस वगैरह वो नहीं लागू होगी। चलिए, तो किस किस को भरना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब थोड़ा प्रोसेस को समझते हैं। और पहले ये बताइए बलवन जी कि कैसे फाइल करना है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और क्या अगर हम लॉग इन कर रहे हैं इनकम टैक्स की साइट पे और अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी अगर हम पैन कार्ड जो यूजर आईडी होता है वो हम डालते हैं, बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करते हैं, उससे पहले क्या क्या चीजें हैंडी होनी चाहिए हमारे पास, यानी कि हमारा पैन उस वक्त पैन कार्ड हमारे हाथ में होना चाहिए, और क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसकी तैयारी हम कर लें वो हमारे पास हो और उसके बाद हम इसे फाइल करने बैठे। देखिए पल्लवी, ऐसा है जहां तक डॉक्यूमेंट की बात है, अभी जो प्रोविजन है इनकम टैक्स के उसके हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं, भले वो आप फिजिकल फॉर्म में फाइल करते हैं अगर आप एलिजिबल है, या अगर ऑनलाइन फाइल करते हैं, तो आपको आप कोई भी डॉक्यूमेंट उसके साथ में अटैच या अपलोड नहीं कर सकते। परंतु आप जब रिटर्न फाइल करने बैठते हैं तो आपके पास जैसे आपका पैन कार्ड है उसकी डिटेल होनी चाहिए, आपके आधार कार्ड है उसकी डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी डालने हैं, वो भी हैंडी होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके जितने बैंक अकाउंट है जो ऑपरेशनल रहे हैं, और जो बैंक अकाउंट पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में आप इनकम टैक्स का रिफंड चाहते हैं, अगर इनकेस आपका रिफंड ड्यू है, तो उसके अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वगैरह जो है वो आपके पास हैंडी होने चाहिए, तो आपका जो फाइलिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है पल्लवी कि आप ये रिटर्न ऑनलाइन ही तुरंत ही सबमिट करें। आप वेबसाइट, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके जो एक्सेल यूटिलिटी है वो डाउनलोड करें, आप ऑफलाइन उस फॉर्म को भर दीजिए, जितने भी शीट्स है उनको वैलिडेट कर दीजिए, और वैलिडेट करने के बाद उसको XML जनरेट करने के बाद में जो इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट है उस पर आप अपना जो पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ और जो पासवर्ड वगैरह है वो डालने के बाद में आप लॉगिन करने के बाद जो आपकी XML फाइल है वो आप अपलोड कर सकते हैं, और फिर आपको इमीडिएटली जो एक्नोलेजमेंट है वो जनरेट हो जाता है और वो आपकी ईमेल में भी आ जाएगा। और जो वेरीफाई करने का है वो प्रोसेस अपन बाद में समझते हैं, पर जैसे ये अगर आपने डिजिटली साइन किया है या आधार वगैरह से किया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर आपने डिजिटली साइन नहीं किया है, आधार से भी वैलिडेट नहीं किया है, तो ये जो ITR 5 जो है वो आपको बेंगलोर के CPC में 120 दिन के भीतर भीतर भेजना पड़ेगा। अगर ये 120 दिन का समय अगर निकल जाता है तो ऐसा समझा जाएगा कि आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। ठीक है, यानी दो तरीके हैं, जैसे आपने कहा वेरिफिकेशन पर हम समझेंगे, लेकिन पहले इसे हम क्लियर कर लें कि दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इंटरनेट अगर आपके पास थ्रू आउट द डे है और आपके पास समय है तो आप पूरा फॉर्म ऑनलाइन भर के उसे सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे ऑफलाइन मोड में, जैसे कि एक्सपर्ट ने कहा कि आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप अपने समय के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको फिल करके उसके बाद XML को आप अपलोड भी कर सकते हैं। यानी दोनों तरीके हैं जिसके जरिए आप इस ITR फॉर्म को भर पाएंगे। प्रोसेस थोड़ा सा समझते हैं कि जो जैसे कि हम स्पेसिफिकली हम फोकस इनफैक्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, यानी कि जो सरल तरीका है, बाकी आप अपनी कन्वीनियंस देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा प्रोसेस समझे बलवंत सर, तो वो थोड़ा सा बताइए कि साइट पर आपको किस साइट पर जाना है, क्या क्या चीजें उसमें फिल करनी होंगी, और फिर हम वेरिफिकेशन तक पहुंचेंगे और उसके बाद आपसे समझेंगे कि वेरिफिकेशन के लिए सेल्फ वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं और क्या तरीके होते हैं, पर पहले शुरुआत कैसे करनी है।
देखिए पल्लवी ऐसा है कि आपको अगर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना है, और अगर मतलब मैं एडवाइज करूंगा कि अगर आपका ऑफलाइन फाइल करने की एलिजिबिलिटी है तो भी ऑनलाइन ही फाइल कर दीजिए। ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको जो इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां पे आपको रजिस्टर करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन अगर हो गया है तो जैसे मैंने पहले ही बताया आपको पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड वगैरह और कैप्चा कोड आप डाल के आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं। जहां तक आपको रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है तो उसमें आपको बेसिक डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी, आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालना पड़ेगा, आपकी ईमेल आईडी है वो डालनी पड़ेगी, और जो पासवर्ड है जो वैलिडेट करने के लिए आपको पासवर्ड दो हिस्सों में आएगा, एक आपका मोबाइल पे आएगा और एक आपको ईमेल पे आएगा। जब आप दोनों एक साथ में अगर कीन कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद में आप जैसे मैंने बताया प्रोसेस, आप ये फाइल फाइल कर सकते हैं आपका इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह। इनफैक्ट हमने देखा है ये कि जब हम फाइल करने जाते हैं और जो लोग रेगुलर फाइल कर रहे हैं तो उसमें प्रीवियस डेटा वो सिलेक्ट करते हैं और वहां से उनको आसानी से वो उसे भर पाते हैं, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम टैक्स भर रहा है, यानी कि नौकरी शायद पिछली बार लगी है और इस बार पहली बार उसको भरना है, तो जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होगा प्रोसेस, उसमें थोड़ा सा एक बार क्विकली अगर आप बता दें कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि एक बार आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in इस साइट पर चले गए, वहां पर आप फाइल कर रहे हैं अपना ITR, तो आपको कैसे कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाना है और कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा? देखिए जैसे मैंने बताया कि आप एक बार लॉगिन करके या बिना लॉगिन किए भी एक्सेल यूटी वाला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन करने के बाद में आपको वेबसाइट पे ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो आप जो सबमिट कर का बटन दबाएंगे तो आपको वो प्रॉम्प्ट करेगा, आप आपका जो XML फाइल है वो अपलोड कर दीजिए। तो वो आपको जो आपका XML फाइल बना हुआ है एक्सेल यूटिलिटी से वो आप अपलोड कर दीजिए, वो आपका फाइल हो सकता है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, ये तो जैसे फर्स्ट टाइम आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई डेटा नहीं है, और उसमें भी दो ऑप्शन है, आप आपका जो पैन डेटा है, पैन डेटा बेस है उसमें से चाहे तो वहां से डिटेल आप पुल आउट कर सकते हैं, या आपका पिछले साल जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया हुआ है अगर ऑनलाइन किया हुआ है तो वहां से भी जो बेसिक डिटेल्स है आपकी, जैसे पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, एड्रेस वगैरह, वो वहां पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार इसको फिल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, मोबाइल पर आपका OTP आएगा, तो ये ध्यान रहे कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और वो सब कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि आप अगर अपने आधार से उसको लिंक कर रखा है और मोबाइल नंबर भी आपका अपडेटेड है तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस को समझना। साथ ही लॉग इन करने के लिए आपको जो यूजर आईडी है वो आपका पैन नंबर ही होगा, ये सब चीजें हैंडी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ और फर्दर डिटेल्स इसमें देने होंगे, जैसे आपको अपना पासवर्ड और साथ ही जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इस फॉर्म में फिल करनी होती है। उसके बाद आप ई फाइलिंग का ऑप्शन चुनते हैं और फिर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR इस फॉर्म को आप चुन सकते हैं, लेकिन जैसे एक्सपर्ट ने पहले भी कहा कि जरूरी नहीं आप सारा फॉर्म एक ही बार में फिल करके उसको सबमिट करें। अगर आप काम इस तरीके का है कि आप एक साथ एक ही जगह पर बैठकर पूरा फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और समय अनुसार आप उसको सेव करते जाइए, और जब आपकी फाइल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तब आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं।